अमेरिका में बुधवार को मंकी पॉक्स का पहला केस मिलने के बाद अब स्वीडन, इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके मामले सामने आए हैं। इस दुर्लभ बीमारी को तेजी से फैलता देख वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की टीम भी एक्शन में आ गई है। आइए जानते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है, इसके फैलने की वजह क्या है और इससे भारत को कितना खतरा है। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न बाबा के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मंकी पॉक्स के बारे में सब कुछ आपको बताते हैं। चेचक की तरह है मंकी पॉक्स। यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो पहली बार 1958 में कैद किए गए बंदर में पाया गया था। 1970 में पहली बार इंसान में इसके संक्रमण की पुष्टि हुई थी। यह ज्यादातर मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसके 75% मरीज पुरुष थे। छुआछूत की बीमारी है मंकी पॉक्स। यह वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसके अलावा बंदर, चूहे, गिलहरी जैसे जानवरों के काटने से या उनके खून और बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ठीक से मांस पकाकर ना खाने या संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी आप इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। अब तक 8 देशों में फैला मंकी पॉक्स। ब्रिटेन में इसका पहला मरीज 7 मई को मिला था। फिलहाल यहां मरीजों की कुल संख्या 9 है। वहीं स्पेन में 7 और पुर्तगाल में 5 मरीजों की पुष्टि हुई है। अमेरिका, इटली, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया में मंकी पॉक्स के एक एक मामले सामने आए हैं। साथ ही फ्रांस में 1 और कनाडा में 13 संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। अचानक से मंकी पॉक्स फैलने की वजह। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर जिमी विट्सवर्थ ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में कहा, कोरोना महामारी के कारण बहुत समय तक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद थी। अब एकदम से पाबंदियां हटने के बाद लोगों का अफ्रीकी देशों में आना जाना हो रहा है। शायद इसीलिए मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। समलैंगिकों में पड़ रहा भारी। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि ब्रिटेन में अब तक के मिले मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामलों के मरीज वे पुरुष हैं जो खुद को गे या बायसेक्सुअल आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक मंकी पॉक्स को यौन संक्रामक बीमारी नहीं माना गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि समलैंगिकों में यह सेक्सुअल कनेक्ट से फैल रही हो। यह देखते हुए एजेंसी ने समलैंगिक पुरुषों को आगाह भी किया है। WHO एक्शन मोड में। मंकी पॉक्स के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए WHO ने भी अपनी वेबसाइट पर इससे जुड़ी सारी जानकारी को अपडेट किया है। इसके साथ ही एजेंसी प्रभावित देशों के साथ मिलकर संक्रमित लोगों की जांच भी कर रही है। ब्रिटेन में यह बीमारी समलैंगिक पुरुषों में सेक्सुअल कनेक्ट के जरिए फैली या नहीं, इसकी जांच भी जारी है। संभावित मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। मंकी पॉक्स कितना खतरनाक। WHO की माने तो मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जिसका संक्रमण कुछ मामलों में गंभीर हो सकता है। इस वायरस के 2 स्ट्रेंड्स हैं, पहली कांगो स्ट्रेन और दूसरी पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन। दोनों ही 5 साल से छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। कांगो स्ट्रेन की मृत्यु दर 10% और पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन की मृत्यु दर 1% है। ब्रिटेन में पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। मंकी पॉक्स में चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कपकपी छूटना और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल है। संक्रमण के दौरान यह दाने कई बदलावों से गुजरते हैं और आखिर में चेचक की तरह ही पपड़ी बनकर गिर जाते हैं। अब तक भारत में मंकी पॉक्स का एक भी संदिग्ध मरीज नहीं है, इसलिए हमें इसका ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। एक्सपर्ट का मानना है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से कैसे बढ़े, इसकी जानकारी मिलने के बाद ही वे कुछ कह पाएंगे। कई शोधों में पाया गया है कि चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स पर 85% कारगर होती है।
अमेरिका में फूड एंड ड्रग एसोसिएशन यानी कि FDA ने 2019 में जिन्योस नाम की वैक्सीन को मंजूरी दी थी। यह चेचक और मंकी पॉक्स दोनों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। इसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 2013 में ही अप्रूव कर दिया था। अमेरिका में पहला केस मिलते ही सरकार ने जिन्योस के 1.3 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। इस तरह के कई अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।